झूठे दहेज केस से कैसे बचे, इसका एक बहुत आसान तरीका खुद कोर्ट ने ही बता दिया इस जजमेंट के अंदर। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने यही बताया कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा दहेज केस लग जाता है तो वो उस केस से बड़ी आसानी से निकल सकता है, लेकिन उसको वैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी जैसी कार्रवाई इस जजमेंट के अंदर बताई गई है। अब इस जजमेंट के अंदर क्या क्या कार्रवाई बताई गई तो सारी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और ये जजमेंट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको पढ़ा भी दूंगा कि वो चीज़ें जो मैंने बताई इसके अंदर कहाँ लिखी हुई है। देखिए कुल 6 बातें बताई है इसके अंदर। पहली बात कोर्ट ने यह बताई है कि देखो लड़कियां क्या करती है, जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद जैसे ही आपस में अगर कोई विवाद हुआ है, उस विवाद के चलते लड़की क्या करेगी, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएगी, वहां पे जाके एक एप्लीकेशन लिखेगी, और उस एप्लीकेशन के अंदर वो सारी तमाम बातें लिखेगी कि मेरी जब शादी हुई तो शादी के दौरान 1-10 लाख की गाड़ी इन्होंने ली है, 15 लाख का सोना इन्होंने लिया, 5 लाख का जो और सामान है, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन जो भी है, बर्तन भांडे सूट वूट जो भी है, वो सब इन्होंने लिया है। तो ऐसी सारी बातें जो है ना उस FIR के अंदर लिखवा देती है, और उसी के चलते फिर लड़के के और लड़के के परिवार के ऊपर में जाता है झूठा दहेज केस का मामला। अब उससे बचने के लिए पहली चीज कोर्ट ने यही बताई है कि जो भी आपको शादी में सामान मिला ना भाई, उसकी लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या सामान मिला है। अब इससे भी जरूरी बात दूसरा पॉइंट में यह बताइए कि वो लिस्ट बनाएगा कौन कौन। तो वो जो लिस्ट है ना, अगर जो सामान लड़की को मिला है तो उसकी लिस्ट जो है वो लड़की बनाएगी। अब लड़की को क्या क्या सामान मिलता है, देखो जैसे ही बहू घर में आती है तो जो ससुराल वाले होते हैं, जो लड़के वाले होते हैं, वो भी भाई चाह करते हैं, चाह करके लड़की को अगर कुछ गहने देने हैं, कोई सामान करना है, जैसे लड़का मुंह दिखाई में आजकल तो आईफोन का चला ना भाई, आईफोन देता है, तो जो भी चीज़ें ना वो चाह करके दी जाते हैं। तो जो भी सामान लड़की को मिला है उसकी लिस्ट कौन बनाएगी, उसकी लिस्ट लड़की बनाएगी, और लड़की बनाने के बाद उसके ऊपर क्या कर देगी, साइन कर देगी। तीसरी बात बता दी, जो भी सामान लड़के को मिला है, लड़के को कहाँ से सामान मिलेगा, तो लड़की के पीहर वालों से मिलेगा, यानी कि जो भी सामान वो लेके आई है और वो सामान क्या क्या मिला है उसकी सारी लिस्ट जो है लड़का बनाएगा, और उसके ऊपर लड़का उसके ऊपर क्या करेगा, साइन करेगा। चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी बताई है कि आपको जो भी शादी में सामान मिला ना, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी, आप क्या करोगे उस सामान का एक ब्यौरा जरूर तैयार करोगे। ब्यौरा मतलब वो सामान कैसा, किस प्रकृति का है, जैसे अगर सोना है, सोने को हम गहनों में गिनते हैं कि ये गहने हैं, ठीक है, जैसे जो घर का जो अपना जो होम अप्लाइंसेस जो होते हैं ना, घर में यूज करने वाले सामान है, उनकी भी एक कैटेगरी होती है, यानी कि उसका एक पूरा ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इसके अंदर, वो सामान मिला किससे है, ये चीज़ जरूर लिखनी है कि बुआ ने दिया, फूफा ने दिया, चाचा ने दिया, इसके दोस्तों ने दिया, इसके बहनों ने दिया, तो उसका जरूर हमको जिक्र करना पड़ेगा। पांचवी चीज़, जो भी सामान मिला है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि जिस टाइम वो सामान मिला था उस टाइम वो कितने रुपए का खरीदा गया था, यानी कि हो सके तो आपके पास में सारे सामान का अगर बिल है तो बहुत ही सोने पे सुहागे वाली बात है। ऐसे कोर्ट की जजमेंट के अंदर बताया, मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ा भी दूंगा। फिर छठी बात बता दी कि जो आपके पार्टी के ऊपर जो खर्चा हुआ है, वो पार्टी का खर्चा लड़के वालों ने दिया है, लड़की वालों ने दिया, दोनों ने मिलकर दिया है, उसका ब्यौरा आपके पास में होना चाहिए, और पार्टी में कितना पैसा लगा है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो वहां पे लड़का जो है उसके ऊपर झूठा दहेज केस लगने से लड़का बच जाता है, ऐसा इस जजमेंट के अंदर बताया गया। मैं सारी चीजें आपको पढ़ा भी देता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, कल भी एक मेरे पास केस था, वो सेम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता केस था, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि सर जब नई नई रिश्तेदारी बनती है तो नई रिश्तेदारियों में ये काम कौन करता है, क्योंकि हम ये काम करेंगे तो सामने वाला ये सोचेगा यार ये तो बड़ी सोच छोटी सोच का इंसान है, ये तो लिस्ट बनाने पर लगा हुआ है। बोला जी समाज की ये सोच है। हाँ भाई मैं भी मानता हूँ ये समाज की सोच है, जब हमारी नई रिश्तेदारी जुड़ती है तो हम कोई भी चीज़ लिखित में लेने से डरते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करने से डरते हैं, ताकि सामने वाले के मन में ये ना आ जाए यार जिस जो मेरा नया रिश्तेदार है वो तो बड़ी सोच छोटी सोच का इंसान है, ये हम ऐसे सोचते हैं, और हमारा सोचना जायज़ भी क्योंकि हम सामाजिक इंसान हैं। लेकिन अब कोर्ट ने अपने कानूनी तरीके से चीज़ बताई है, भाई कल को अगर आपको उस चीज़ से बचना है ना, देखो आज हम एक दूसरे के लिए बहुत बेस्ट है, लड़का लड़की के लिए एक दूसरे के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन एक मिनट में खेल पलट जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि कल जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार था आज वो मेरी जान लेने के लिए खुद तैयार हो चुका है, ऐसे ऐसे केस भी देखें। तब कोर्ट ने चीज़ें बताई है और आपके सामने रखी है कि भाई इन बातों में आप कोई शर्म मत रखो, जो सामान आपको मिला है उसकी लिस्ट तैयार करो, ठीक है, और उसकी वैल्यू तैयार करो, पार्टी में कितना खर्चा लगा, किससे सामान मिला, कोई भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कल को आपके ऊपर कोई केस लग जाता है ना और आपके घर पुलिस आएगी, वो शर्म की बात ज़्यादा है, ऐसा देखो, ठीक है, बाकी अपनी अपनी मर्जी है। और यहाँ तक की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा ना, इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कर ले, ठीक है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई आपको जो कंटेंट हम ओरिजिनल ला के दें। देखो भाई अब मैं आपको जजमेंट पढ़ा देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट, और ये आपको फ्री मिल जाएगा। देखो कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया, ये जो केस है ये केस नंबर है, अगर आपको नोट करना हो, और ये कैसे फ्री मिलेगा, ये आपको फ्री मिल जाएगा। देखो ये कोर्ट के अंदर ये चीज़ें बताई गई है। इस न्यायालय में दहेज निषेध अधिनियम 1961 से उत्पन्न मुकदमे की बड़ी संख्या में आ रहे हैं,
विवाद वैवाहिक विवाद है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 या नीचे उद्धृत की गई, यानी कि जो नीचे चीज बताई गई ना, यानी कि धारा 3 ये कहता है दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। अब जहां पे चीजें बताई गई है वहां पे धारा लागू होगी या नहीं होगी, वो जजमेंट के अंदर वो चीजें बताई गई है। मैंने ये जजमेंट आप लोगों के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर रखी, क्योंकि मेरी हिंदी की ऑडियंस है, हिंदी पढ़ना और हिंदी सुनना वो ज्यादा पसंद करते हैं, इंग्लिश में भी आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं डायरेक्ट आपको वहां पे लेके चलता हूं। देखो उपधारा 2, उपधारा 1 में कुछ भी लागू नहीं होगा, उपधारा 1 में कुछ भी लागू नहीं होगा या उसके संबंध में। कहने का मतलब है उपधारा 1 में क्या था, उपधारा 1 में हमको जो चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, धारा 3 यानी कि दहेज लेना और दहेज देना वहां लागू नहीं होगा जहां दूसरे पॉइंट में बताया गया है। देख लो भाई, उपहार गिफ्ट जो दुल्हन को विवाह के समय दिए जाते हैं, दहेज लेना और दहेज देना लागू नहीं होगा। कब? उस संबंध में जब कोई मांग की नहीं है, यानी कि अगर कोई गिफ्ट मिला है बिना डिमांड किए तो वहां पे दहेज अधिनियम लागू नहीं होगा, यानी कि उपधारा 1 का कुछ भी लागू नहीं होगा। बशर्ते कि ऐसे उपहार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची के तहत, तो यानी कि जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी ना, अगर उस लिस्ट में चीज बनाई गई है ना, तो फिर उसको दहेज नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, उपहार जो विवाह के समय दूल्हे को दिए जाते हैं, यानी कि दूल्हे को कहाँ से मिलेंगे, लड़के के पीहर वालों से मिलेंगे, पर वो बिना डिमांड किए अगर लिए हैं तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, कुछ भी लागू नहीं होगा। यानी कि धारा 3 में लड़की को जो गिफ्ट मिला है, लड़के को जो गिफ्ट मिला है बिना डिमांड किए, वो दहेज एक्ट के अंदर लागू वो चीज़ नहीं होती, यानी कि उनको दहेज एक्ट में माना ही नहीं जाएगा। बस शर्त क्या है कि उस उपहार की जो लिस्ट है वैसे बनाई गई हो जैसे जजमेंट के अंदर बताई गई है। अब डायरेक्ट हम लिस्ट पर चलते हैं, बताया था ना, देखो लिस्ट कहाँ गई, आ जा भाई लिस्ट कहाँ गई, ला का देख लो भाई। विवाह के समय दूल्हे को दिए जाने वाले उपहारों की सूची दूल्हे द्वारा रखी जाएगी, मैंने आपको बताया था। शादी के समय, हाँ शादी के समय या शादी के बाद जितनी जल्दी हो सके तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि उपनियम 1 या उपनियम 2 में निर्दिष्ट उपहारों की प्रत्येक सूची, यानी कि सूची बता दी यहां पे भाई, सूची ऐसे तैयार करनी है जो हम ऊपर देख रहे थे ना कि लिस्ट तैयार होगी ना तब वो दहेज एक्ट के अंदर नहीं माना जाएगा, तो वो लिस्ट ये है, देख लो भाई। शादी के समय या शादी के बाद जितनी जल्दी हो सके क्या करनी चाहिए, एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। अरे कहाँ गया मेरा पेन। शादी के समय या शादी के बाद एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए भाई, रेड ले लेते हैं लिस्ट। अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई, लिस्ट लिखित रूप में होगी, रिटर्न में होगी, उसके अंदर वो सारी चीजें शामिल होगी। क्या क्या चीजें शामिल होगी, प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण, वो उपहार क्या है, किससे मिला है, वर्तमान का अनुमानित मूल्य यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, भाई आज गाड़ी 10 लाख की है, 2 साल बाद की गाड़ी की वैल्यू भी टूटती है ना, जो भी चीज़ है उसकी उस टाइम वैल्यू क्या थी, उस व्यक्ति का नाम जिससे उपहार दिया गया यानी कि गिफ्ट किससे मिला है, जहां उपहार देने वाला व्यक्ति दूल्हे या दुल्हन के संबंधित है, ऐसे रिश्ते का विवरण यानी कि वो रिश्ते में फूफा चाचा मामा क्या लगता है, वर और वधु दोनों द्वारा साइन किए जाएंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको जो सम्मान मिलता है आपको लिस्ट तैयार करनी है, लड़की को सम्मान मिलेगा लड़की लिस्ट तैयार करेगी, लड़के को सम्मान मिलेगा लड़का लिस्ट तैयार करेगा, जिसने सम्मान दिया वो पूरा ब्यौरा हम तैयार करेंगे, किससे मिला, रिश्ते में क्या है, वैल्यू क्या, सारी चीज़ें, ठीक है। स्पेशल एक ये स्पष्टीकरण बताया, ये चीज़ जरूर पढ़ लें, जहां दुल्हन हस्ताक्षर करने में असमर्थ है यानी कि बेचारी अनपढ़ भी हो सकती है, वह सूची को पढ़कर सुनाने के बाद और उस व्यक्ति को हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद जिसने विवरण पढ़ा है अपने हस्ताक्षर के, यानी कि वो किसी और से पढ़वा सकती है किसके अंदर क्या लिखी और किसी और से भी उसका साइन अंगूठा जो भी चीज़ है अपनी सहमति का कोई ना कोई इशारा वहाँ पे करके ऐसी कर देगी, और वही चीज़ दूल्हे के लिए, अगर दूल्हा साइन नहीं कर सकता ऐसे किसी और से पढ़वा के और उसकी सहमति लेके और अपनी सहमति उसको दे सकता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बता दिया यदि दूल्हा या दुल्हन चाहे तो उपनियम 1 और 9 में निर्दिष्ट सूची किसी एक या दोनों पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर, यानी कि अगर वो चाहे तो किसी विटनेस के साइन भी वहां पे करवा सकते हैं। विधायिका ने अपने विवेक से यह प्रावधान करने का अपवाद बनाया कि विवाह के समय दूल्हे या दुल्हन को जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें दहेज के तहत दहेज नहीं माना जाएगा। भाई पढ़ लो अब ये लाइन जिसको अच्छी लगेगी, देखो विधायिका ने अपने विवेक से यह प्रावधान करके एक अपवाद बनाया कि विवाह के समय दूल्हे या दुल्हन को जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज नहीं माना जाएगा। ये देख लो भाई, ठीक है, तो वो जो लिस्ट है उसको दहेज नहीं माना जाएगा। और अगर वैसे ही लड़कियां
जाके पुलिस स्टेशन में जाके चीज लिखवाते कि देखो हमने शादी पे है ना, इन्होंने मेरे घर वालों से ये सामान लिया, उसको दहेज एक्ट में नहीं लिया जाएगा। और अगर आपके केस में ऐसे है तो इस जजमेंट को लेके आप अपने केस में आप बच सकते हैं। दहेज देने का झूठा आरोप, देखो भाई उनके परिवार के सदस्य बाद में विवाह में दहेज लेने या दहेज लेने का झूठा आरोप न लगा सकेंगे। ये पूरा पढ़ लेना, अगर मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया आपका टाइम खराब होगा जिसको पढ़ना हो, ठीक है। तो झूठा आरोप नहीं लगा सकेंगे। दहेज निषेध नियम द्वारा की गई व्यवस्था पार्टियों के बीच में बाद में, ये तो पार्टियों जी करा गया, बाद में मुकदमेबाजी में जिस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सकती है कि दहेज लेने या दहेज देने के संबंध में आरोप दहेज की धारा 3(2) के तहत किए गए अपवाद के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चीज़ें धारा 3 के अंदर काउंट नहीं होगी। तो धारा 3 क्या कहते हैं, दहेज लेना और देना अपराध है। जब ये चीज़ काउंट ही नहीं होती फिर दहेज केस कैसा। तो भाई ये जजमेंट आपके किस हद तक काम आ सकता है पूरा पढ़ लेना इसको। मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये जो केस है मैं केस नंबर आपको दिखा देता हूं, ये आ गया आपका केस नंबर, आ जाओ भाई, कोर्ट नंबर 88 मामला 2024 का, 482 का मामला दिया गया था, अंकित सिंह और 3 अन्य विरोधी पक्ष जो है यूपी स्टेट ऑफ यूपी। और ये जो वकील साहब की पूरी डिटेल आ गई, ये 10(63)(1) के तहत आवेदन है। तो इसको आप सर्च कर लेना। और अगर ये करेंट ट्यूब से आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको है ना करेंट ट्यूब ऐप का लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉयड वालों के लिए भी और आईफोन वालों के लिए भी। जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, इस इधर कोर्ने पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, फिर उस पर आपको जजमेंट दिखाई देगी, जजमेंट पर आपको आ जाएगा 498A के तहत में अगर लिस्ट बनाई है तो दहेज केस नहीं लगेगा। और भाई आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने केस में बच सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी दहेज को लेके, झूठे दहेज को लेके, सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, सारी चीज़ बता भी चुका हूँ। और अगर कोई भी और आपको जानकारी चाहिए इसके अलावा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उनके जरिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। किसी भी केस में अगर आपको कोई और सुझाव चाहिए, कोई भी कानूनी राय अगर आपको चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जिसकी डिमांड आप करो। और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें लिख दो, उसी टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना के दे देंगे सबूत के साथ में, और सबूत आपके सामने, ये देख लो भाई, ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, सारी चीज़ें बताई गई है। तो थैंक यू माय डियर।